हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू फोकस थ्री क्विक रिवीजन सीरीज 5 मिनट में। आई अज्यूम मोस्ट ऑफ अस माइट ऑलरेडी बी हैविंग एन आइडिया ऑफ व्हाट इज अ मार्केटिंग मिक्स, बट डू नॉट वरी, ये वीडियो फर्स्ट टाइम लर्नर्स के लिए भी उतना ही ईजी और अंडरस्टैंडिंग होने वाला है। सिर्फ 5 मिनट में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे टू अंडरस्टैंड द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। इस वीडियो के एंड में मैंने एक बहुत ही अमेजिंग और ईजी सा एग्जाम्पल दिया है जो आपको आपके एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में ज़रूर हेल्प करेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स। सो आई सी मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ पीसेज दैट हेल्प्स यू टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट्स कंसीडरिंग एट द सेम टाइम द हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो बेसिकली व्हाट इज दिस, इसका मतलब ये है कि हमें अपने बिजनेस को इस तरह से डिज़ाइन करना है जिससे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो और एट द सेम टाइम हम अपने कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन लेवल का भी ध्यान रखें। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फोर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट, देन कम्स प्राइस, थर्ड वन इज प्लेस एंड फोर्थ इज प्रमोशन। अब हम इन सभी को एक एक करके समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ प्रोडक्ट। सो इन लेमैन्स लैंग्वेज प्रोडक्ट इज एन आइटम दैट इज ऑफर्ड फॉर अ सेल। दिस कैन बी फिजिकल और दिस कैन बी वर्चुअल, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इज अ प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी फुलफिलिंग द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ अ कस्टमर। सो हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो मेक सेंस करना चाहिए हमारे टारगेट मार्केट को, अपने मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, विच मीन्स कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट से बनाया गया हो, बट वी शुड बी एबल टू गेट द कस्टमर फीडबैक ताकि हम ज़्यादा रिसोर्सेज एड इन करने से पहले कुछ डिसीजंस ले सकें। एंड अगेन दिस शुड ऑलवेज बी टारगेटेड टू एन आइडियल ऑडियंस सो दैट वी आर नॉट वेस्टिंग आर एवरीथिंग दैट वी हैव डेवलप्ड इनटू अ नॉन फ्रूटफुल सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स। दिस वी ऑल्सो रेफर टू एज अ टारगेट मार्केट। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज वट मेक्स अ प्रोडक्ट यूनिक। आपका प्रोडक्ट मार्केट में बाकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कैसे अलग है और बींग इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हाउ विल दिस परफॉर्म एंड वट स्ट्रैटेजीज यू आर गोइंग टू मेक अ प्रोडक्ट परफॉर्म बिकॉज दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट सिंस यू वॉन्ट टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। नेक्स्ट कम्स द प्राइस। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ प्राइस इज इंपॉर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सो प्राइस इज समथिंग विच डिसाइड्स वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। मेरे प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, कोई भी कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के लिए कितने पैसे देना चाहेगा। तो फॉर दैट वी जनरली डू हैव डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कि हम कंज्यूमर के माइंड को रीड करेंगे कि वो किस तरह से हमारा प्रोडक्ट उनके लिए अफोर्डेबल है। तो इस तरह से हमारा पहला पॉइंट हो जाता है अफोर्डेबिलिटी, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को कितने में वो अफोर्ड कर सकता है, बिकॉज वी नेवर वॉन्ट टू गिव अ वेरी हाई प्राइस पॉइंट टू देम। देन कम्स अनदर थिंग विच इज प्रॉफिटेबिलिटी। हम कस्टमर के लिए अफोर्डेबल तो बना रहे हैं बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वॉन्ट टू मेक रिवेन्यू, हमें भी प्रॉफिट चाहिए। तो these two parameters go hand in hand all the time. And then comes the two other important points which are the payment method and the discounts. These are pretty straightforward to understand since the word itself. The next comes place. This generally means where will you sell your product, wo kaun si location hai jahan par aap apne customer se reach lenge. So it can be a brick and mortar store like generally we have shops and everything, then it can be different places like koi event, koi temporary market, koi ई-कॉमर्स लाइक डिजिटल मार्केट प्लेसेस या कोई चैनल जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंसीज, डीलरशिप्स, वी हैव सीन मल्टीपल ऑफ ऑप्शंस पीपल बीन डूइंग व्हाइल दे आर प्रैक्टिसिंग मार्केटिंग। देन कम्स प्रमोशन। दिस इज समथिंग ये मेरा सामान खरीद सकता है से, इसको तो मैं सामान बेच दूंगी वाला होल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रमोशन। द मोस्ट ईजी वे टू डू इज और मोस्ट पॉपुलर इज एडवर्टाइजिंग। देन कम्स द PR। PR मीन्स अपनी कंपनी की इमेज को पब्लिक की नज़र में कैसे बहुत अच्छा बना देंगे हम। Then comes direct marketing, which comes door-to-door selling. आप डायरेक्टली अपने कस्टमर के पास जाके अपना प्रोडक्ट प्रपोज कर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस रनिंग ऑन एग्स। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग मिक्स कैसे हेल्प करता है एक बिजनेस को अपने डिसीजन लेने में। लाइक वी स्टडीड द 4 P's ताकि हम मैक्सिमम रेवेन्यू और मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन ला सकें। फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट, सर्टिफाइड क्वालिटी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग ईजी। नेक्स्ट थिंग इज प्राइस, हम यूज़ करेंगे कंपेरेटिव प्राइसिंग। And the another thing that we can do is the wholesale pricing. क्योंकि this is the business of eggs, हम bulk में बेच सकते हैं and the people who are doing bulk buying, उनको हम special discounts भी दे सकते हैं। Then comes the place, हम कहाँ कहाँ से अपने eggs को लोगों तक deliver करेंगे। So this comes the distribution channels. तो पहला तो हो जाएगा कि sale from the farm to the wholesale buyers, दूसरा हो जाएगा direct sale from the farm। दोनों ही चीज़ें बहुत ईजी है इस केस में। देन कम्स द प्रमोशन, हम रोड साइड फार्म स्टैंड लगा सकते हैं और एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं फूड इवेंट्स में, like can be anything. I hope you like the video. For more such content, please do like, share and subscribe Focus Week.